भाजपा संगठन द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद रैली शमशाबाद पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए शमशाबाद पहुंचे। शमशाबाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। रथ पर मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री और विधायक राजश्री सिंह रथ पर सवार थी। शमशाबाद में जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री के रोड शो पर लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। रोड शो के बाद जन आशीर्वाद यात्रा कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री ने 127 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कांग्रेस आएगी नहीं, गलती से कहीं आ गई तो जैसे पहले सब योजनाएं बंद कर दी थी, अब भी सब बंद कर देगी, हम पर विश्वास है और कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी वो मानते हैं। आप बहुत घोषणाएं कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के विषय में आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, हनुमान सलीसा पढ़ता है, हनुमान जी का बात बोलता है। दिग्विजय सिंह जी सुबह शाम हिंदुओं को गाली देता है, एक तो ये दोहरा मानदंड है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मैं दिन रात सोचते रहता हूँ, कि अगर मुसलमान का खिलाफ कोई भी कांग्रेस नेता बोलेगा तो गांधी फैमिली उनको बाहर कर देगा पार्टी से, और करना भी चाहिए। लेकिन हिंदू का खिलाफ कोई बोलते हैं तब राहुल गांधी एक्शन क्यों नहीं लेता है? तो मेरा जो मैं मेरा